નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો શારદા સંકુલ ટ્રસ્ટ ઠાસરા સંચાલિત શ્રી વિવેકાનંદ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્કૂલ ધોરણ નવથી બારમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મારું નામ રણધીર ખાંટ આજે આપણે ધોરણ નવમાં હિન્દી વિષયમાં ચોથું કાવ્ય કર્ણકા જીવન દર્શન ખંડ કાવ્ય વિશે અભ્યાસ

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगरे जिले के सिमारिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है उनकी वाणी में शक्ति है ओझ है उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसमें मुक्ति का संघर्ष है उर्वशी रश्मिरथी रेणुका हुंकार, रसवंती कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतिया है उर्वशी के लिए उन्हें सन उन्नीस का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संस्कृति के चार अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया अर्ध नारिश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है प्रस्तुत खंड में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता को विजयी चाहता है अंत में जब पांडव क्षेत्र के श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त कर, करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले आने के लिए उसे मिलते हैं उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिखा गया है मित्रों इस कर्ण का जीवन दर्शन में कर्ण कुंती का पुत्र था पांडवों में वह श्रेष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था ज्येष्ठ भी ज्येष्ठ यानी कि बड़ा और श्रेष्ठ भी था उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन के ने सदा उसका साथ दिया कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका कर्ण कुशल योद्धा था महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया उन्होंने उस राज्य उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया रश्मि रथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं चलो मित्रों कर्ण का जीवन दर्शन काव्य के बारे में पढ़े वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से जरती रहे सदा निर्धन को भरती रहे सदा इस काव्य पंक्ति में कर्ण कृष्ण से कहता है कि उसे धन द्वालत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता उसकी बस યહી ઈચ્છા છે કે હાથો સે દાન કી પવિત્ર નદી સદા બહતી રહે ઓર નિર્ધનો કો સુખી બનાતી રહે મિત્રો ગુજરાતીમાં ભાવાર્થ કે કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને ધન દોલત અને સાંસારિક સુખ સુખોપભોગની ઈચ્છા નથી હું મારા જીવનની પરવાહ કરતો નથી મારી તો ફક્ત એ જ ઈચ્છા છે કે मार हाथ थी, दानी पवित्र नदी हमेशा वहती रहे अने निर्धनों ने सुखी करती रहे अगर जो ये त्रुच्छ है राज्य का ये केशव पाता क्या नरकर प्राप्त विभव चिंता प्रभुत अत्यल्य हास कुछ चाक चिक कुछ क्षण विलास पर वह भी नहीं गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है हे केशव जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्रा की हंसी खुशी मिलती है थोड़ी थोड़ी થોડી બહુત ચમક ધમક સમય કે જાના પડતા હે કેશવ જે રાજ્યોનું આપ મને પ્રલોભન આપી રહ્યા છો એ તો બહુ તુચ્છ વસ્તુ છે વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય શું મેળવે છે ભૈભવ પ્રાપ્ત કરીને તેને પુષ્કળ ચિંતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે જરા જેટલી ખુશી મળે છે થોડી ઘણી ચમક ચમકતમક અને થોડા વખત માટે સુખોપભોગ પ્રાપ્ત થાય છે આ બધી વસ્તુઓ તેને અહીં જ છોડી દેવી પડે છે અને ખાલી હાથે જ અહીંથી જવું પડે છે હવે આગળ જોઈએ મિત્રો મુચ્છે મનુષ્ય જો હોતે હે કંચનકા ભાર ન દોતે હે पाते हैं धन बिखराने को लाते हैं रतन लुटाने को जक से न कभी कुछ लेते हैं दान ही हृदय का देते हैं कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है वे संसार से सभी कुछ लेने लेते अपने हृदय का दान ही करते हैं दुखियों पर दया करते हैं मित्रों पंक्ति में कहे कवि कहे कि कवि कर्णकृष्ण ने कहे कि तेना जो मनुष्य सोना भार सहन करता नहीं સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા નથી તેઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ ધન પ્રાપ્ત કરે છે એમની બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ લોકોમાં વહેંચી દેવા માટે જ હોય છે તેઓ સંસારમાંથી કશું લઈ જતા નથી પોતાના હૃદયનું દાન જ કરે છે અર્થાત દુઃખી લોકો પર દયા કરે છે હવે આગળ જોઈએ મિત્રો પ્રસાદો કે કનગાપ શિખર होते कबूतरों के ही घर महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर कभी न सोता है बसता वह कहीं पहाड़ों में सेलों की फटी दरारों में इस पंक्ति में कभी कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता સ્વર્ણિમ પીછોને પર નહી સોતા નિવાસ તો પહાડો ભી હોતા પહાડો ફટી દરારે સોના જેવા ચમકતા રાજમહેલોના શિખરો કબૂતરોનું જ ઘર બને છે ગરૂડ પક્ષી કદી મહેલમાં રહેતા નથી અને એ સોનેરી પથારી પર સોતા નથી તેમનો નિવાસ પહાડોમાં જ હોય છે પહાડ પર પડેલી તેમનું ઘર બને છે હોકર સમૃદ્ધિ સુખ કે અધીન માનવ હોતા નિત તપક્ષ સત્તા કિરીટ મણિમય આસન કરતે હુએ મનુષ્ય કા તેજ હરણ નર વિભવ હેતુ લલચાતા હૈ પર વહી મનુષ્ય કો ખાતા હૈ धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और से जड़े हुए सिंहसन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं उसे प्रभावहीन बना देते हैं मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है पर यही धन संपत्ति उसे નષ્ટ કરી દેતી હે એટલે કે ધન દોલતના સુખનો ગુલામ બનીને મનુષ્ય પોતાના તપ તેજ ખોઈ બેસે છે રાજપદ મુગટ અને મની જડિત સિંહાસન પર મનુષ્યના તેજને હરી લે છે અને તેને પ્રભાવ વિહોનો બનાવી દે છે મનુષ્ય ધન સંપત્તિ પામવા લલચાય છે પણ એ ધન સંપત્તિ જ એને નષ્ટ કરી દે છે आग जी मित्रों चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंगड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता विघ्नों को नहीं हिला सकता लेकिन चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा में પલકર મનુષ્ય સુંદર ઓર કોમળ ભલે બને બન જાય પરંતુ કષ્ટો કા અમૃત પીએ બિના ધૂપ ઓર આંધી સહે બિના ન પુરુષ કહલા સકતા ઓર ન વિઘ્નો કો પાર સકતા હૈ ચાંદની અને ફૂલોની છાયામાં ઉછરીને મનુષ્ય સુંદર અને કોમળ ભલે બની જાય પરંતુ કષ્ટોનું અમૃત સહન કર્યા વિના તડકો અને આંધીને સહ્યા વિના ते पुरुष कहवा तो नहीं के विघ्नों ने पार कर सकते जो में पीते जो वारी प्रपातों में सारा आकाश अयन जिनका विस्कर भुजंग भोजन जिनका वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं धरती का है जुड़ाते हैं हृदय जुड़ाते हैं यानी कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं प्रपातों यानी कि झरनों का पानी पीते हैं सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांपों की जिनका भोजन है ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन को छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं जे आंधी तूफानों में उड़े छे झरनाणु पानी पीवे छे आँखों आकाश જેમનું ઘર છે અને ઝેરી સાપ જ જેમનું ભોજન છે એવા ગરુડ જ સાપના બંધનથી છુટકારો અપાવે છે અને ધરતીના હૃદયને શીતળતા આપે છે મેં ગરુડ કૃષ્ણ મેં પશ્ચિરાજ સિર પર ન ચાહીએ મુજે તાજ દુર્યોધન પર હૈ વિપદ ઘોર સક્તા ન કિસી વિષ ઉસે છોડ રણખેત પાટના હે મુજકો

હું એવું જ ગરૂડ પક્ષી છું મને પોતાના મસ્તક પર મુઘટની જરૂર નથી આ સમયે દુર્યોધન ભયંકર વિપત્તિમાં ફસાયેલો છે હું કોઈ રીતે તેને છોડી શકું નહીં મારે તો યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં ઉતરવું છે અને દુર્યોધનના નાક પાસને કાપવો છે તો મિત્રો કેવું લાગી આ કવિતા વિડીયો જોયા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર થેન્ક યુ